हेलो गाइस एंड वेलकम टू पीसीएमपीडिया। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था और एक्सरसाइज 4.3 की सॉल्विंग देखी थी, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें जो कंसेप्ट है माइनर्स का एंड को फैक्टर्स का वो समझना पड़ेगा। माइनर्स एंड को फैक्टर्स समझना काफ़ी ईजी है। माइनर्स एंड को फैक्टर्स के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक डिटरमिनेंट को एज एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एक ही एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मैंने एक डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, और डिटरमिनेंट मैंने लेट से ए या फिर और डेट कुछ भी एज्यूम कर लिए। ओके, तो अगर मुझे इसका माइनर निकालना है या फिर इसका, किसी हर एलिमेंट का माइनर निकलता है और हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर भी निकलता है। माइनर कोफैक्टर को निकालने से पहले मैं एक बार इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, कि जैसे पहले हम एक्सपेंड करा करते थे। सो अगर मेरे को इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी वो? डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट लिखते थे a11, और उसके बाद ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर देते थे। a22 इंटू a33 हो जाता है, और माइनस a23 इंटू a32। फिर हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, फिर a12 लिखते हैं। मैं इसको r1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, फिर हम a12 लिखते थे। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आता था? क्योंकि यहाँ पे 1 2 जो इसकी रो और जो कॉलम है इन दोनों को ऐड करके कितना आता है? 3। 3 इज एन ऑड नंबर। सो ऑड नंबर जब होता है तो माइनस लगता है, एंड जब इवन नंबर होता है तो प्लस लगता है। 1 + 1 2 होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। वो कंसेप्ट -1 की पावर वाला है, सो मैं उसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, पिछले वीडियोज़ में कवर अप हो चुका है। सो a12 के आगे माइनस का साइन आना चाहिए। सो अब इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड करेंगे। सो a21 को a33 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a23 को a31 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि a13 इस टाइम 3 + 1 4 होता है, इसलिए। फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, तो a21 इंटू a32 हो जाएगा, और माइनस a22 इंटू a31 ये आ जाता है, जो कि एक्सपेंड करके आ जाता है, राइट? माइनर को फैक्टर से इसका रिलेशन क्या है वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं एक थोड़ी टिपिकल भाषा में समझाना चाहूँ यहीं से ही, तो माइनर क्या होता है? लेटर से a11, ओके, इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो ये रहा, ये वाला जो ब्लॉक बन जाएगा ये a11 का क्या हो गया? माइनर हो गया। और अगर मुझे को फैक्टर निकालना है a11 एलिमेंट का ही, तो प्लस का साइन भी कंसिडर कर लो, तो ये लो, a11 को भूल जाओ, ये जो भी आएगा वो a11 का कोफैक्टर हो जाएगा। ओके, लेट से मेरे को a12 का निकालना है माइनर, तो a12 का माइनर क्या आ जाएगा? ये वाली जो टर्म होगी वो a12 का माइनर आ गया। और कोफैक्टर निकालना है तो माइनस साइन को भी कंसिडर कर लो, और a12 को भूल जाओ, सिमिलरली a13। तो अब मैं एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपको एक्सरसाइज में करके बताता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो माइनर होता है, माइनर को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? कैपिटल एम और लेट से आई रो एंड जेथ कॉलम से, आई जे 1 1 1 2 दिस टाइप। और जो को फैक्टर होता है उसको ए आई जे से। सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो को फैक्टर होता है वो -1 की पावर i + j इंटू एम आई जे होता है। यही चीज़ है सिंपल। अगर एम आई जे क्या होगा? अगर एम आई जे, आई प्लस जे अगर इवन होगा तो ऑब्वियसली प्लस आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो ये माइनस ही रहेगा, सिंपल। सो आपको यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, अगर हम किसी का को फैक्टर निकाल लें, लेट से रो वन के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। ओके, अभी वो सब छोड़ दो, आपने रो वन के को फैक्टर्स निकाल लिए, तो ये आ गया, ये माइनर है, प्लस का साइन लगा दिया, को फैक्टर हो गया। ये निकाला, फिर माइनस का साइन लगा दिया, तो ये को फैक्टर हो गया इसका। फिर ये निकाला, प्लस का साइन। ओके, तो आपने 3 को फैक्टर्स निकाल लिए, a11 का को फैक्टर निकाल लिया, a12 का और a13 का।
तो अगर आप इन को फैक्टर्स को A11, A12, A13 से रिस्पेक्टिवली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट है खाली, और एक्सरसाइज में इसका एक क्वेश्चन भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, वो है 2 -4, 0 और 3। ये मुझे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इस डिटरमिनेंट का मेरे को माइनर निकालना है और को फैक्टर्स निकालने हैं इसके हर एलिमेंट का। ऑब्वियसली ये कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ये A11, A12, A21 और A22 यही है। A11 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2। अगर मैं इसका माइनर निकालना चाहूँ M11, तो वो किसके इक्वल होगा, ये वाला, और ये वाला हाइड कर दीजिए, 3। ऑब्वियसली क्योंकि ये तो 2 by 2 की मैट्रिक डिटरमिनेंट है। और अगर इसी का कोफैक्टर निकालना चाहूँ तो A11 की वैल्यू, अब चलो ओके मैं पहले फर्स्ट है तो 1 + 1 और 3, M11 होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये तो -1 की पावर 2, ऑब्वियसली 1 × 3, सो 3। तो मतलब जो भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, और अगर इवन नंबर है ऐड करके तो प्लस आएगा। सिंपल। तो यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि 1 + 1 2 होता है, इसलिए 3 आ गया। अब जो सेकंड है, A12, सॉरी A12 क्या दे रखा है हमें, -4। ओके सो M12 वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको और इसको हाइड कर दीजिए तो 0 के इक्वल हो गया। और A12 वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये अब 0 है लेकिन 1 + 2 3 होता है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस साइन आना चाहिए था, बट -0 + 0, नो मैडम, सो 0। अब A21 वो कितना दिया हुआ है, 0। सो अगर M21 निकालना चाहूँ तो इसको और इसको हाइड कर दीजिए, -4। बस माइनर्स में साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन जैसा साइन है वैसा ही चलने दो, लेकिन को फैक्टर्स में इवन और ऑड का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो A21, अब 21 कितना है, माइनस साइन आएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर हो गया, सो माइनस, एंड -4 तो है ही, सो +4। एंड A22 वो कितना है, 3। M22 कितना हो जाएगा, ये और ये हाइड कर दीजिए, 2। एंड A22 कितना हो जाएगा, अब ये क्या है, एक इवन नंबर है ऐड करके, 2 + 2 4, एक इवन नंबर है सो ऑब्वियसली 2। अब मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट क्योंकि देखने में बहुत इजी लग रहा है। 1 0 4 3 5 -1 एंड 0 1 2, कुछ कुछ पार्ट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी कर सकें। सो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स इनके। सो अगर मैं एलिमेंट भी लिख लेता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है एलिमेंट्स लिखने की, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ। सो M11 क्या हो जाएगा, M11 ये और ये हाइड कर दीजिए, 5 × 2 माइनस एंड -1 × 1 यही होगा, सो विच इज इक्वलेंट टू 10 - +1 11। ओके अब क्योंकि ये 1 1 है, 1 + 1 2, सो एक इवन नंबर है, सो ऑब्वियसली जो A11 आने वाला है वो भी कितना आने वाला है, 11 एंड प्लस का, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। अब इस तरीके से A12 वो कितना है, 0। M12 इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड कर लीजिए, 2 3 6, माइनस एंड -1 0 0 6। A12 कितना आएगा, 6 तो आंसर तो आएगा ही, और साथ में 1 + 2 है 3, तो माइनस का साइन आ जाएगा। A13 वो क्या एलिमेंट है, 3, और सॉरी 4। M13 माइनर ऑफ 4 दिस एलिमेंट, इसको और इसको हाइड कर दीजिए, 3 × 1 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3, एंड ऑब्वियसली A13 कितना आ जाएगा, +3। नाउ A21 इज इक्वल टू
अब इसको और इसको हाइड कर दीजिए, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 हो जाएगा, M21 विच इज इक्वल टू -4, एंड A21 इज इक्वल टू, अब ये माइनस है और यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली +4 बन जाएगा। नाउ A22 विच इज इक्वल टू 5, M22 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2, सो A22 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 प्लस 2 है 4। ओके, A23 जो एलिमेंट है वो -1 है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, जो ये एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूँ इनकी अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अभी आगे क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, अभी जरूरत पड़ सकती है आगे क्वेश्चन में। सो M23 इक्वल टू 1 माइनस 0 एंड 1, सो A23 इज इक्वल टू -1, A31 इज इक्वल टू 0, सो M31 इज इक्वल टू 0 माइनस 20 विच कम्स टू बी -20, सो A31 इज इक्वल टू -20, क्योंकि 4 है, 3 प्लस 1 4, सो माइनस का माइनस ही रहेगा यहाँ पर। नाउ A32 इज इक्वल टू 1, M32 इज इक्वल टू -1 एंड -12 -13, सो A32 इज इक्वल टू +13, एंड A33 इज इक्वल टू 2, सो M33 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5, एंड A33 पॉजिटिव, सो +5। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें मेरे को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3, ये मेरे को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ओके, अब मेरे को इसको सेकंड रो, मेरे को ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और सेकंड रो से इसको एक्सपेंड करना है, सेकंड रो के पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो सेकंड रो मेरे पास ये है, अब पहले मैं कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ। ओके, सो A21 जो मेरे पास एलिमेंट है वो क्या है, 2। M21 जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, इसको इसको हाइड कर लीजिए, 9 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -7, सो A21 कितना आ जाएगा, +7। नाउ A22 जो कि 0 है, सो M22 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8, इसको इसको 3 5 जो 15 8 विच कम्स टू बी 7, सो A22 इज इक्वल टू 7। नाउ A23 इक्वल टू 1, 1 दिया हुआ A23, इसको इसको हाइड करेंगे तो 5 2 10 माइनस 3 हो जाएगा, M23 इज 10 माइनस 3, 7 अगेन, सो A23 इज इक्वल टू -7। ओके, ये तीनों चीज़ें तो हमने लिख ली हैं। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अभी आपने को फैक्टर्स निकाल लिए इसके इसके इसके। ओके, अब अगर हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा और जो साइन कन्वेंशन भी यूज़ करा, जो को फैक्टर आया, अगर मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी तो वही होती है, सिंपल, आपने पीछे भी देखा भी है। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये डिटरमिनेंट निकालने की एक वैल्यू होती है। सो 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 एंड प्लस 1 इंटू -7, 7 2 जा 14 प्लस 0 माइनस 7 विच कम्स टू बी 7, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें भी हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स ये रहे YZ ZX XY। ओके, ये एलिमेंट्स हैं और मेरे को इसको थर्ड कॉलम की हेल्प से इसको एक्सपेंड, थर्ड एलिमेंट्स के पहले थर्ड कॉलम की हेल्प से मेरे को कोफैक्टर्स निकालने और फिर कुछ करना है। सो ये क्या है, ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, जो कि क्या दिया हुआ है, YZ, ए एम, पहले एम आएगा
M13 इज इक्वल टू इसको, और इसको हाइड कर लीजिए, सो जेड माइनस वाई, एंड A13 इज इक्वल टू ऑब्वियसली जेड माइनस वाई अगेन, ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 इज इक्वल टू जेड एक्स, M23 इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, सो A23 इज इक्वल टू माइनस जेड एंड प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा इस बार 5 है क्योंकि ऑड नंबर, A33 एक्स वाई, M33 वाई माइनस एक्स, एंड A33 इज अगेन वाई माइनस एक्स। ओके, अब हमें खाली A13 को A13, A23 को कैपिटल A23 एंड A33 को कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ओके, ये एक सिंपल सा मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया है। नाउ पीछे आंसर थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है, तो पहले मैं इसको पहले सिंपली एक्सपेंड कर लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, जो मेरे जो पीछे आंसर आ रहा है आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, इससे चेंज है। तो अगर हमें वैसे ही बनाना है तो लेट्स स्टार्ट। मैं इस वाले एलिमेंट को और वाई स्क्वायर जेड इस वाले एलिमेंट को एक साथ लिख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा क्यों। एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड मैंने एक साथ लिख लिया, एंड ओके एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब जिसके पास खाली एक्स और वाई आ रहा हो, एक्स और वाई इन दोनों के पास है, सो वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स इन दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस इन दोनों को तो एक साथ ही लिख लेते हैं। एक्स और वाई का खेल है पूरा का पूरा, इसमें यहाँ से जेड कॉमन आ गया, अंदर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा वाई माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कॉमन आ गया, सो वाई माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बन चुका है। अब इन दोनों में से इसमें और इसमें देखिए, तो y कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स बन जाएगा, और इसमें देखिए जेड कॉमन तो वही x माइनस जेड एक ही बात है। x माइनस वाई यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से जेड कॉमन ले लो तो x माइनस जेड बन गया, और यहाँ से प्लस y कॉमन ले लो तो जेड माइनस एक्स बन गया। तो x माइनस वाई तो है ही, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जेड माइनस एक्स लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस जेड बन जाएगा। सो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, सिंपल। अब लास्ट एक MCQ है खाली, जिसमें कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एंड ऑब्वियसली आप उसको पढ़ेंगे तो उसका आंसर D है, सिंपल, पहले ही बहुत बार कर लिया है। थैंक यू।